वेलकम बैक दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। सो आप देख ही रहे हैं, हम ब्लॉग शूट करने के लिए पहुंच चुके हैं लखनऊ। अरे लखनऊ आपको पता ही है, बादशाहों का शहर है, एक्चुअली नवाबों का शहर है। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरती है शहर में, यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको। एंड आप देख सकते हैं पत्थरों पर कितनी बेहतरीन कारीगरी कराई गई है, और सामने आपको स्टैचू दिख रहा होगा। सो इसको हम थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, एक्चुअली यहाँ सही नहीं दिख रहा, तो हम थोड़ा जाते हैं स्टैचू के पास। सो मार्च में स्टैचू के पास आपको दिखाते हैं, ये है समता मूलक चौक। सो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन दिखाई दे रहा है ये, और ये पूरी कारीगरी पत्थरों पे की गई है। एंड यहाँ पे स्टैचू है, नाम को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये किसका स्टैचू है, फिर भी काफ़ी खूबसूरत है। एंड ये मायावती जी द्वारा निर्मित कराया गया है। ये एरिया काफ़ी डेवलप एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ के रोड काफ़ी बेहतरीन है। एंड यहाँ पे सामने भी आपको कई सारे स्टैचू दिखाई देंगे। सो आप देख सकते हैं ये दूसरा स्टैचू है, इसको भी हम आपको थोड़ा पास से जाके दिखाते हैं। सो ये हमारा दूसरा स्टैचू, जो कि यहाँ से क्लियरिटी में नहीं दिख रहा है आपको, हम और पास से आपको दिखाते हैं। सो अब आप देख सकते हैं ये स्टैचू है, और यहाँ का बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है, और छोटे छोटे पत्थरों से यहाँ पर इसकी खूबसूरती को बढ़ाया गया है। एंड रोड यहाँ के काफ़ी बेहतरीन है। सो हमको जाना है मरीन ड्राइव, सो हम कर रहे हैं नए रोड की तलाश। सो हमको कोई रोड मिल नहीं रहा है, एंड हम अब रोड को करेंगे क्रॉस और नए रास्ते की करेंगे तलाश। एंड फाइनली हम रोड क्रॉस कर चुके हैं। सो हम आ चुके हैं मरीन ड्राइव रोड पे, हमको रोड मिल गया फाइनली, हम चलते हैं मरीन ड्राइव की ओर। फाइनली हम लोग मरीन ड्राइव गार्डन के पास पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं गार्डन काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, तो आपको दिख रहा होगा हवाई जहाज़ भी जा रहा है ऊपर से। एंड हम लोग और थोड़ा आगे जाते हैं, आपको और अच्छे से दिखाते हैं। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे स्थान बनाए गए हैं। सो अभी हम चलते हैं गोमती नदी के किनारे। ये हमारी गोमती नदी है, जो यहाँ से जौनपुर की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ब्रिज है, एक ब्रिज है रेलवे ट्रैक के लिए, एंड दूसरी ब्रिज है यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती जाती हैं उसके लिए बनाई गई हैं। सो आप देख सकते हैं नदी काफ़ी साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है, और साइड में बैरिकेड भी लगाए गए हैं जिससे कि किसी के साथ कोई हादसा ना हो। और यह गार्डन, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे किस्म के फूल लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं पास से, जो कि यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। एंड मैं और मेरा फ्रेंड बढ़ते हैं और आगे, एंड हमको यहाँ से जाना है अभी। आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन किस्म के फूल हैं यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, एंड यहाँ पे छाया भी है। अभी एक्चुअली हम लोग आए थे पार्क टहलने के लिए, सो अभी हम गार्डन में ही टहल रहे हैं, सो अभी हमको पार्क का रास्ता पता नहीं है, सो हम आगे चल के रास्ता ढूँढने की करते हैं कोशिश। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के फूल लगाए गए हैं। ये वैरायटी के फूल एक्चुअली हमने घर पे देखे नहीं, हमको लखनऊ में आके ही दिखे हैं। एंड हम चलते हैं आगे रास्ते की तलाश में। सो आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन किस्म के फूल हैं, बट यहाँ पे इनको तोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं इधर उधर, नहीं तो हमको पकड़ लेंगे, फाइन भी मार देंगे।
होता है।